हेलो, वेलकम बैक सर। आज का लेक्चर होने वाला है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस के संयोजन किस तरीके से होते हैं, श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में, और श्रेणी और समानांतरण दोनों। ओके, तो इनकी चर्चा कर लेता हूं मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। ओके सर, आज की चर्चा होगी हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। तो चलिए सर, पहला होगी क्या, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम जिसको आप बोलते हो सीरीज, कॉम्बिनेशन। दूसरा समानांतर समानांतर क्रम। इसका क्या मतलब होगा सर, समानांतर का मतलब हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। और नेक्स्ट इसी में रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में देखेंगे सर, श्रेणी एवं समानांतर क्रम, मतलब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी को सर आपको देखना है, सीरीज, समांतर, समांतर ये क्या होते हैं सर, एक्चुअली क्यों इसके यूज किए जाते हैं, इन सारी चीजों की भी चर्चा होंगे। ओके, तो इन बहुत सारे पैरामीटर पर इनको अपने को ध्यान देना है, तो उन सारी चीजों को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात होगी सर, श्रेणी क्रम में इसको कैसे उपयोग में लाते हैं, ना श्रेणी क्रम में कैसे उपयोग में लाते हैं, देन समांतरण, और देन श्रेणी प्लस समांतरण, इन दोनों चीजों की चर्चा होंगी। आइए सर, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं। पहला टॉपिक है सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ किसका सर, प्रतिरोध का, ऑफ रेजिस्टेंस, ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो चलिए सर यहां मैं इनकी बात कर लूं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या है कि अगर दो रेजिस्टेंस सर आपस में सीरीज में दिया हो, इसको सीरीज में बोलते हैं ना, जब एक साथ एक ही वायर से सीधे अटैच हो, कोई ब्रांच ना हो, तो इसको सीरीज बोलते हैं सर। अगर ये आर वन है, ये आर टू है, तो बोला जाए इन दोनों को अगर एक रेजिस्टेंस में लिखूं, इन दोनों को अगर एक रेजिस्टेंस में लिखूं, तो बताइए इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसका टोटल इक्विवेलेंट जो है ना, वो उसी को इक्विवेलेंट, या आप उसको बोलते हो समतुल्य, उसके समतुल्य, या इसी को बोलते हैं आर इक्विवेलेंट, यानी समतुल्य, इसके समतुल्य कितना होगा, आर समतुल्य। तो इसमें क्या होगा सर, सीरीज में जुड़ जाते हैं R1 प्लस R2, दो प्रतिरोध अगर एक साथ हो तो यहाँ पे जुड़ जाते हैं। अब ये भी चर्चा है कि सर ऐसा जोड़ने की नौबत क्यों आती है ना, ऐसा क्यों जोड़ते हैं, ये क्यों करते हैं, इनकी भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए सर, कहीं एक रेजिस्टेंस ऐसा भी दिखे, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, और यहां पे, और यहां पे बोले कोई सर R इक्विवेलेंट या R टोटल बताइए, और जबकि यहां का प्रतिरोध है R1, यहां का R2, यहां का R3 और यहां का R4, तो कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा क्या होगा सर, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इतने को एक में लिखा जा सकता है सर, इतने को एक में लिखा जा सकता है, यानी इतने ये पॉइंट ए दूं और यहाँ बी दूं, तो ए बी के क्रॉस अगर कोई पॉइंट यहाँ ए है और बी के क्रॉस, अगर बोले इतने बड़े को छोटे में लिखना है, तो कोई कह सकता है कि सर इसको लिखा जा सकता है, इतना रेजिस्टेंस के जगह पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस का उपयोग करिए, वो होगा आर टी, वो क्या होगा सर आर टी, जिसका मान क्या होगा सर, आर वन प्लस आर टू प्लस R3 प्लस R4, है ना, इसका सम हो जाएगा सर, इसका क्या हो जाएगा, समतुल्य, इसका सम हो जाएगा, क्लियर है।
तो इस तरीके से सर टोटल रेजिस्टेंस निकल जा सकता है, इसको सीरीज ही बोलेंगे। चाहे कितना भी घुमा ले, एक छोर से देखिए इसका एंड छोर, सीरीज कैसे समझेंगे इनको भी ध्यान रखिए सर, सीरीज कैसे समझेंगे इनका भी ख्याल रखना। एक रेजिस्टेंस शुरुआत हुई तो एंड छोर दूसरे के स्टार्टिंग छोर से जुड़ा हो, फिर इसका एंड छोर दूसरे का स्टार्टिंग छोर से जुड़ा हो, फिर इसका एंड छोर दूसरे का स्टार्टिंग छोर से जुड़ा हो, और इस तरह के कॉम्बिनेशन हमेशा क्या कहलाते हैं सर, सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कहलाता है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो सीरीज इसी को बोलते हैं, क्लियर। तो आई होप ये जानकारी सर आपको मिल चुकी होगी, इसी तरीके से हम चीजों को यहां पर डिस्कस करेंगे। अब ये रही बात न्यूमेरिकल पे, कुछ छोटे से बात करेंगे, फिर क्यों करते हैं उनकी भी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा यहाँ पे सर। यहाँ आइए सर, छोटी छोटी चीजों की चल पहले बात की जाए। कोई कहेगा कि सर सीरीज आपने बताया, तो चलिए इसका सीरीज का वैल्यू बताइए। देखिएगा यहाँ कोई बोला है 2 ओम है, यहाँ 1 ओम है, यहाँ 5 ओम है, यहाँ 3 ओम है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आर ए बी बताइए कितना होगा। आर ए बी ऐसे बोल देता है, या फिर इसी को आर टोटल बोल देगा, या इसी को सर आर इक्विवेलेंट बोल देगा, समतुल्य टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना। तो आप सीरीज में जैसे ही देखोगे सर, जैसे ही आपने देखा कि इसका कॉम्बिनेशन किस में सर, सीरीज में है, कैसे समझेंगे सीरीज में है सर, एक का एंड दूसरे के स्टार्टिंग से, फिर एक का एंड दूसरे के स्टार्टिंग से, फिर इसका एंड दूसरे के स्टार्टिंग से जुड़ा है, सब सीरीज में है, तो सीरीज में जुड़ जाएंगे 2, 1, 3, 5, 8, 3, 11 ओम इज योर आंसर। ए एन एच डब्ल्यू इज योर आंसर, ओके। तो इस तरीके से सर और भी देखिए, आपको कहीं सीरीज पैरेलल में कंफ्यूजन ना हो जाए। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहां है 2 ओम, यहां है 5 ओम, यहां है 0.5 ओम और यहां है सर 5 ओम। पूछेगा सर आर टोटल बताइए, यानी इसको अगर रिप्लेस कर दूं ये क्या होगा, आर टोटल यहां पे क्या होगा, है ना, आर टोटल क्या होगा अगर इसको रिप्लेस में कर दूं एक सिंपल रेजिस्टेंस प्रतिरोध में, ए बी, तो आर टोटल बताइए कितना होगा। तो मतलब इतने के बजाय अगर एक आपको कभी बनाना हो सर, इतने के बजाय एक कभी बनाना हो तो क्या करेंगे सर, सब सीरीज में देखिए कैसे सीरीज में पता करें, इसका अंतिम छोर दूसरे के शुरुआत से, फिर दूसरे का अंतिम छोर पहले के शुरुआत से, पहले का अंतिम छोर दूसरे के शुरुआत से, सो इस तरीके से देखता हूं क्या सब आपस में सीरीज में है, तो सब सीरीज में तो जुड़ जाएगा 2, 5, 8, 7 और 5, 12 और ये 12.5, क्लियर है। तो मैं मानता हूं कि सर आईटीआई सीरीज में जो सेशन चल रहे हैं हिंदी वालों स्पेशली और इंग्लिश हिंदी दोनों को साथ में लेके चलता हूं, को भी कोई लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है और सर आसानी से इन सारी चीजों को कवर करेंगे आप लोग। अब ये बात यही आएगी कि सर इसको सीरीज में करने से क्या मकसद है, अब एक में बना के क्या करते हो, ये करने से क्या फायदा है ना, इसको करने से क्या फायदा है सर, इनको करने से बहुत फायदे हैं। जब सर्किट में कभी वोल्टेज सोर्स दिया हो, जब सर्किट के अंदर कभी सर आपको वोल्टेज सोर्स दे दें, तो ऐसे कंडीशन में जब सर्किट काफी कॉम्प्लेक्स हो तो सर्किट को आसान बनाना पड़ता है, तभी उस परिपथ में ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उस परिपथ में करंट एक्चुअली भी कितना है, ओके। सो इस सर्किट में परिपथ में करंट निकालने के लिए ऐसा करते हैं, जैसे कि आपके साथ एक सिंगल वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, ठीक है, 10 वोल्ट का सोर्स है और प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, कैसा प्रतिरोध,
ये देखिए सर, और ये इस तरीके से इस सर्किट से जुड़ा हुआ है ना। ये अलग अलग प्रतिरोध के बल्ब हो सकते हैं, ये बल्ब वन है मान लें आपके परिपथ सर्किट में। देखिए जाइए सर, सर ये बल्ब है ना, इस बल्ब का प्रतिरोध जो है वो कितना है 5 ओम का। यहां भी बल्ब टू है, ओके, ये दूसरा बल्ब है, इसका प्रतिरोध है 2 ही ओम, सब सीरीज में लगा है मान लो। यहां बल्ब है, इसका प्रतिरोध है 5 ओम, ये भी बल्ब है, ये भी बल्ब है, इसका प्रतिरोध है 3 ओम। अब आपको इस परिपथ में करंट निकालना है, ओके, इस परिपथ में करंट निकालना है। करंट कैसे निकलेगा सर? इस परिपथ में करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं, आगे मैं ओम्स लॉ भी पढ़ाऊंगा। तो ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज अगर कहीं हो तो करंट इनटू उसका प्रतिरोध लगा दीजिए। करंट निकालना है तो करंट बराबर वोल्टेज बटा उसका प्रतिरोध। अब एक प्रतिरोध तो है नहीं इस सर्किट में, है ना, एक रेजिस्टेंस तो नहीं है सर, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, और मल्टीपल रेजिस्टेंस है तो उसको छोटा करना पड़ेगा। सो अब इस पॉइंट को ए मानिए और इसको मान लीजिए बी। ए बी के क्रॉस तो एक तो 10 वोल्ट का सोर्स है और इतने रेजिस्टेंस है, इसको एक छोटे में कन्वर्ट कर देते हैं। आइए सर, ये 10 वोल्ट का है, ये पॉइंट है ये, और ये पॉइंट है बी, ओके। अब इतने रेजिस्टेंस है, इसको इक्विवेलेंट करिए, 5 2 7, 5 12 3 18, इसको हमने एक बना दिया, कितना ओम में, 18 ओम में एक बना दिया ना। तो देखिए सर्किट सॉल्व करना आसान हो गया, पहले था V by R, किसको कौन से रेजिस्टेंस को भागा देते, क्योंकि सब सीरीज में था, एक से तो भागा नहीं देते, टोटल रेजिस्टेंस से भागा देना पड़ता है। तो टोटल कितने सीरीज में, 18। पैरेलल का कॉम्बिनेशन अलग बात बताऊंगा, पैरेलल में होंगे तो उसके लिए चर्चा आगे होगी, अभी सीरीज का पढ़ रहा हूं, ओके। तो इसमें क्या होगा सर, 18। तो अब बताइए इस सर्किट में करंट कितना होगा, तो आप कहोगे सर इस वोल्टेज है 10 और प्रतिरोध है टोटल 18, 10 बटा 18 करूं तो सर कितना हो जाएगा, 0.4 है ना, 0.100, उसके बाद 18 चौका कितना हो गया सर, 0.5 आ जाएगा ना, 0.596, 18 5 90, उसके बाद क्या बचा सर, 0.10, फिर 0, तो 0.5, फिर क्या होगा 100, फिर 5, ओके। सो करंट कितना मिला सर आपको इस सर्किट में, इसमें करंट कितना बह रहा है सर, सर इसमें करंट तो बह रहा है 0.505 एम्पियर, यही करंट सब जगह बहेगा इसमें, 0.505 एम्पियर, है ना, क्लियर। तो यहां छोटा सा करने से आसानी मिल गई ना आपको। तो इस तरीके से सर्किट को हम कभी भी सर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको सही लगा होगा सर, ये चीजों को समझ चुके होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरीके से किए जाते हैं। लेकिन सर आपके घरों में कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि सर आपके घरों में जो वायरिंग की जाती है वो सीरीज में होता है कि पैरेलल में, तो सर आपके घरों में वायरिंग हमेशा पैरेलल में की जाती है, सीरीज में करेंगे तो वोल्टेज तो घटता चला जाएगा, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं, पैरेलल में क्या होता है सर, वोल्टेज समान होता है। तो इसीलिए घरों में वायरिंग पैरेलल में की जाती है तो वोल्टेज सबको समान मिलता है, लेकिन करंट जिसको जितना चाहिए वो ले लेता है। सपोज दैट पैरेलल में करने से बेनिफिट ये मिलता है, देखिएगा मैं आगे बहुत सारी चीज और डिस्कस करूंगा। पैरेलल में करने से क्या होता है, चीजें आपकी पैरेलल में होती हैं। तो एक मान लो पैरेलल आपके घर में मोटर है और 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट का बल्ब तो हो सकता है कि 0.3 एम्पियर करंट ले गया, है ना, 100 वाट का बल्ब 0.3 एम्पियर करंट लेगा। लेकिन सर जब आप बात करोगे, लेकिन जब मैं बात करूंगा किसका, आपका मोटर का, तो मोटर कितना लेगा, हो सकता है 3 एम्पियर 4 एम्पियर करंट लेता हो। तो सब पैरेलल में कनेक्ट है, जो जो लोड जैसा है, जो ज्यादा लोड वाला है वो ज्यादा करंट खींचेगा तो वो ज्यादा करंट खींच लेता है,
और जो कम करंट खींचना होता है वो कम करंट खींच लेता। सो लोड अपने करंट ज्यादा और कम करके अपने पावर को मैनेज करता है। वोल्टेज हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। चीजें क्लियर है? ओके चलिए, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। ओके चलिए सर, अब मैं चर्चा कर लूं एक बार। आई नाउ दूसरा पार्ट हमारा क्या है सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब समांतरण संयोजन, समांतर संयोजन। सीरीज एंड पैरेलल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, लेकिन पैरेलल में भी बच्चे फंस जाते हैं तो यही दिक्कत हो जाती है। ओके तो हम पहले इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब उनमें एक और क्वेश्चन सर आपसे बड़ा फ्रिक्वेंट पूछा जाता है, तो मैं पैरेलल का भी कर लेता हूं उसके बाद करूंगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन में आगे अभी ऐड कर देता हूं, ये दे देगा ना कि आर है आर है आर है डॉट 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 एन ब्रांच है, तो मतलब टोटल सीरीज में कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए तो उनको भी मैं एक साथ ले लूंगा। ठीक है चलिए, सीरीज पैरेलल हो जाएगा तो आपको मामला बहुत फटाक से पता चल जाएगा। नौ पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा होता है सर, पैरेलल ये आर वन है ये आर टू है सर। ये देखिएगा आप ये देखना, एक की शुरुआत छोड़ इसके भी शुरुआत से और दूसरे की एंड छोड़ इसके भी एंड से अगर कनेक्ट हो तो ये ब्रांच हमेशा किस में होगा सर, आपस में पैरेलल होंगे। ये दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पच्चीस भी हो सकता है, पचास भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है आपस में पैरेलल। तो ऐसे सर्किट को एक छोटा सा सर्किट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है सर, ऐसे सर्किट को एक छोटा सा सर्किट बनाने के लिए मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है सर आपको बी, तो ऐसे छोटे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंट, तो ये पॉइंट है सर बी, ये पॉइंट है ए। अब बताइए इतनों को एक बनाऊं तो क्या बनाऊं, तो ये होता जब कोई प्रतिरोध पैरेलल में हो जाता है तो उसको निकालने का तरीका अलग हो जाता है। प्रतिरोध अब ये सीरीज जैसे जुड़ेगा नहीं सर, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा। इसका जब निकालना है तो इसको आर टोटल अगर बोलूं तो वन बाय आर टोटल बराबर होता है वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। ठीक है यस, इस तरीके से आप निकालते हो कभी भी। नौ अगर सर चर्चा की जाए कि इसका फाइनल वैल्यू सर निकालिए, वन बाय तो ये तो वन बाय आर टोटल है, अब यहां पे मान कितना होगा तो आर टोटल वन बाय आर टोटल की जब भी बात होगी वन बाय आर टोटल की तो क्या करोगे सर, आर वन इंटू आर टू ये हमारा एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा आर टू प्लस आर वन। नौ वन बाय आर टी को आर टी टोटल निकला है आपको तो ये क्या हो जाएगा आर वन इंटू आर टू, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ये चीज, ये आपके लिए बड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन हर जगह ये चीजें लगेंगी है ना, ये चीजें आपके लिए सर हर जगह लगना है, सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं सर ये,
सो टोटल कभी निकालना हो तो वन बाय मत करना, करोगे तो वक्त लगेगा, टाइम इतना नहीं पूछे होते हैं आपके एग्जाम में। ओके सो ये छोटा छोटा मिलके बड़ा बना, पर बड़ा जो बना वो क्या होगा, आर वन इंटू आर टू बटा, ये नीचे में लिखा हूं तो यहां पे भर देता हूं इसके जगह पे, आर वन गुना आर टू बटा आर वन प्लस आर टू। ये याद रखना है सर, ये याद रखना, दोनों गुना में रहेगा और नीचे भागा जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ऊपर दोनों गुना में रहेगा। तो हम बहुत एनालिसिस यहां पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बैठा रहे। देखिए क्या होगा, पहले ऊपर में दोनों का गुना और नीचे दोनों का एडिशन, ऊपर में गुना और नीचे इसका एडिशन। सिमिलरली यहां की बात करें तो यहां भी क्या है, देखिए इससे पहले था दो सीरीज में था तो जुड़ जाता था, और यहां क्या हुआ, दोनों का गुणनफल ऊपर में और नीचे दोनों का समेशन। तो इस तरीके से पैरेलल निकालेंगे हम, एनालिसिस ये भी करेंगे कि सीरीज में होने से टोटल रेजिस्टेंस बढ़ा था कि घटा था, और पैरेलल में होने से टोटल प्रतिरोध उस ब्रांच का घटता है या बढ़ता, ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि पैरेलल में ब्रांच होने से टोटल प्रतिरोध घटता है या बढ़ता है, है ना। और क्वेश्चन यही एग्जाम में अगर पूछ देता आपको, बताइए कोई पैरेलल ब्रांच है उसमें एक रेजिस्टेंस बढ़ गया, एक रेजिस्टेंस और पैरेलल में जोड़ दिया, तो बताइए टोटल प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा, तो बच्चे कहेगा और जोड़ दिया बढ़ जाएगा, तो यहीं पे गलतियां खा जाते हैं आप लोग। सीरीज में जोड़ देगा एक रेजिस्टेंस तो आपको प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और जोड़ दे तो वैल्यू घट जाता है। यहां अगर आर है, अभी मैं बताऊंगा अभी, है ना, अभी न्यूमेरिकल से बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी चीजों के आप लोग पहले समझिए, न्यूमेरिकल एक करिए तब आप चीजों को समझेंगे। सर देखिए हमने दो ब्रांच पैरेलल में लिया, एक ये एक ये, ये है सपोज दैट 10 ओम, ये भी है 10 ओम, एक रफ डाटा लिया मैं पहले, और इसको कोई बोलेगा ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अगर इसी ए बी को पैरेलल में, पहले एक रेजिस्टेंस था लेकिन किसी ने पैरेलल में दो जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया तो दो हो गया। अब पूछेगा कि बताइए एक और पैरेलल में अगर जोड़ा तो टोटल परिपथ का प्रतिरोध बढ़ गया कि घट गया, तो अपन कहेंगे अच्छा हम अभी तो सीखे ही हैं तो पहले सॉल्व नॉर्मल करूंगा तब सर बताऊंगा। तो अगर आपने सीखा ही है अभी तो आप कहोगे कि सर हमने जाना है कि आर वन इंटू आर टू हो जाता है और नीचे R1 प्लस R2 हो जाता है, ये बेसिक ट्रिक था, ये कैलकुलेशन से निकला था ना, और या फिर 1 बाय R1 करो 1 बाय R टोटल करिए, ये दो तरीके हैं, ये 1 बाय R टोटल बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो अब इस चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सर अपने को पता है ये गुना होके यही आता है, तो छोटे छोटे चीज के लिए शुरू से करने जाएंगे थ्योरी तो संभव नहीं है ना। यही चीज हालांकि इसी के बन के आके यहाँ आया है ये फॉर्मूला, है ना, तो अपन इसको बार बार अटेम्प्ट नहीं करेंगे, यहां से अटेम्प्ट करेंगे कि अगर दोनों प्रतिरोध का अब दिमाग में बैठा लेंगे। बहुत बच्चा क्या कर देगा, ऊपर में जोड़ देगा नीचे गुना कर देगा, तो ये भी गलती है, फिर आप गलत हो जाओगे। हमेशा याद रखना है जब भी दो का गुणनफल करना है सर, जब भी दो का पैरेलल में होगा तो ऊपर में गुना करना है नीचे में जोड़ करना है, ऊपर में गुना करना है नीचे में जोड़ करना है, ऊपर में गुना करना है और नीचे में जोड़ करना है, ठीक है, हमेशा दिमाग में रहे, ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़। ओके तो अब समझिए सर, ये देखिए क्या होगा, 10 को गुना कर दिया 10 के साथ और 10 को जोड़ दिया 10 के साथ, सो आर टोटल ये देगा 100 बटा 20, एक जीरो इनसे कट गया, कितना प्रतिरोध बचा सर 5 ओम, मतलब इसका प्रतिरोध क्या बचा है सर 5 ओम। अब मामला समझिए सर, दो प्रतिरोध पैरेलल में अगर हो जाए या दो से ज्यादा भी प्रतिरोध पैरेलल में कभी दिखे तो उसका टोटल प्रतिरोध किसी भी एक ब्रांच से हमेशा कम ही हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूं इसका मतलब समझिए, मैं कह रहा हूं
कि सर अगर दो प्रतिरोध, पहले एक 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 पैरेलल में था 10 ओम, एक था कितना सर, एक एक ही था 10 था, लेकिन किसी ने एक और पैरेलल में आके जोड़ दिया, तो एक और जैसे ही जोड़ोगे अब कहेगा कितना रेजिस्टेंस हो गया, तो हम कहेंगे अब दोनों मिलकर उल्टा कम ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, 5 ही हो गया। तो पैरेलल में अगर जितना प्रतिरोध आप बढ़ाओगे सर्किट का टोटल प्रतिरोध का मान, इक्विवेलेंट प्रतिरोध का मान हमेशा घट जाता है, सीरीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीरीज में कहता है कि करंट अगर एक 5 ओम है और दूसरा और सीरीज में 5 जोड़ दोगे तो वो बढ़ के 10 हो जाएगा। तो मामला समझ रहे हो ना कि क्या हो रहा है, मामला क्या हो रहा है, आई होप ये सारी चीजें आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, इसीलिए बोला जाता है जब किसी परिपथ में एक और प्रतिरोध बढ़ा दे तो करंट सर्किट का घटेगा या बढ़ेगा। तो अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो करंट उल्टे बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस इस केस में घट गया है। ये सीरीज में होता है कि एक और प्रतिरोध बढ़ा दे तो उस पर ब्रांच से कर जाने वाला करंट घटेगा बढ़ेगा, तब कहेंगे घटेगा, है ना। तो मामला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ पैरेलल करके आसानी से वैल्यू निकालना नहीं, इसको एनालिसिस भी करना होता है कि अपन क्या सीख रहे हैं, क्या जानकारी आ रही है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दो पैरेलल का वैल्यू हमेशा क्या दिखेगा सर, कम दिखेगा, किसी भी एक छोटे से छोटे ब्रांच के वैल्यू से भी कम दिखेगा। अगर यहाँ 5 होता है, यहाँ 10 होता है, तो ओवरऑल वैल्यू जो होता है 5 से भी कम होता है, ये भी एक दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि 10 से कम, 5 से भी कम हो जाएगा, मतलब दोनों में जो सबसे छोटा वैल्यू है उससे भी छोटा वैल्यू हो जाएगा आपका अगर पैरेलल में रहेगा, है ना। नाउ तो ये आपके तो 5 ओम आंसर है। अब मैं इसकी कुछ और जानकारी आपको डिटेल में देने वाला हूं, है ना, इसकी जानकारी कुछ और डिटेल में देने वाला हूं। एक और एनालिसिस किया, जब मैं इसको एक और एनालिसिस कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है हमारा, है ना सर, इसको जब एक और एनालिसिस कर रहा हूं तो ये भी देख रहा हूं कि दो समान वैल्यू आपस में अगर पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध हमेशा आधा होता है। क्या दिख रहा है, दो समान वैल्यू अगर कभी भी ये आप कुछ भी ले लो, 100-100 ले लो तो 50 निकलेगा, 500-500 ले लो तो 250 निकलेगा, ओके। तो एक और कंक्लूजन क्या निकला कि अगर दो समान वैल्यू समानांतर में हो तो उसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध हमेशा आधा होता है। तो सब पॉइंट को हम लिखेंगे, अब क्या करेंगे, नोट कर लेंगे यहां पे। पहला, अगर दो समान प्रतिरोध क्रम में जुड़े हों तो उनका समतुल्य हमेशा आधा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे भी यहां ले लें कि अगर ये 25 ओम है और ये भी 25 ओम है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हमेशा कितना होगा सर, 12.5 ही होगा, आधा। लेकिन कंडीशन है, अब कंफ्यूज नहीं करना है सर, आधा अगर दोनों समान प्रतिरोध, दो समान प्रतिरोध हो इसको नहीं भूलना है सर, समान प्रतिरोध हो तो सीधे फोर गुना नहीं करना है, गुना बटा भागा जोड़ करके तब भी उतना ही निकलेगा, तो आंख बंद करके क्या कर देना, आधा कर देना। तो एक कंक्लूजन ये निकला। दूसरा, पिछले पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकला, एक और दूसरा भी मैं बता देता हूं कंक्लूजन क्या निकलेगा, इन दोनों से निकला हुआ प्रतिरोध का मान हमेशा छोटा होगा, चाहे यहां पे कोई भी वैल्यू रख दिया जाए उनसे छोटा ही होगा इक्विवेलेंट जब पैरेलल में होगा। अब मैं बताता हूं, आइए कहता हूं, मैंने कहा कि सर देखिए एक प्रतिरोध ले लो आप 20 ओम का, ओके, और दूसरा ले लो आप कितने का सर, 10 ओम का। तो जब दो समान, दो डिफरेंट प्रतिरोध भी आपस में समानांतर में जोड़े जाते हैं
तो इसके जो समतुल्य इक्विवेलेंट प्रतिरोध बनता है, टोटल रेजिस्टेंस जो बनता है, वो किन में जुड़े हुए जो सबसे न्यूनतम मान का प्रतिरोध होता है उनसे भी कम निकलता है। किसका वैल्यू? टोटल रेजिस्टेंस का मान। आपको कि सर कैसे हो जाएगा इतना कम, तो देखिए देखते हैं। आर टोटल अगर मैं निकालूं तो आपको हो गया आर वन इंटू आर टू बटा दोनों का गुना कर दिए, 20 और 10 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 × 200 और जोड़ दीजिए दोनों को तो कितना हो जाएगा सर, 30 भागा दीजिए 36 18 3 20 हो गया ना, दो बचा, क्या बचा, दो बचा, पॉइंट लगाए 20 हो गया, 36 18 36 18 36 18 36 18 करते चले जाओ, इतना ओम निकला है ना, इतना क्या निकला सर, ओम। तो मतलब दो बड़े बड़े शेर जब आप दोगे तो उससे उत्पन्न पैरेलल में चाहे कितना भी होगा उससे उत्पन्न होने वाला वैल्यू हमेशा छोटा होगा, शेर शेर का बिल्ली प्रोडक्शन होने वाला है, क्लियर है। सो वैल्यू कितना निकल रहा है सर, 6.66666666 ओके। सो हमेशा वैल्यू इसके किसी भी छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होगा, क्लियर, किसी भी छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होगा। तो कभी आप गलती से फटाफट कितना भी प्रतिरोध निकालते हैं तो जो मान चाहे 3 4 5 पैरेलल में कितने भी मान हो, तो जो भी आपके मान होंगे निकले हुए वो हमेशा उनमें लगे पैरेलल के सबसे छोटे मान से भी छोटा होना चाहिए, क्लियर, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी सर आपको, ये जो छोटा है ये उनसे भी छोटा है, ये जो छोटा है ये इनसे भी छोटा है। तो दूसरा पॉइंट में ये पहला पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट यहां लिख देता हूं, समानांतर क्रम में जुड़े कितने भी प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध हमेशा उस समांतर में लगे सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होगा, से भी क्या होगा सर, छोटा होगा। मतलब जितने भी चाहे 2 लगे या 10 लगे हो पैरेलल में, उनमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उनसे भी छोटा वैल्यू होगा टोटल प्रतिरोध। तो समानांतर में वैल्यू लगने से वैल्यू का मान घटता है और सीरीज में लगने से वैल्यू का मान, प्रतिरोध का मान हमेशा बढ़ता है, किसी भी प्रतिरोध से बड़ा हो जाएगा सीरीज वाला में, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको क्लियर रह चुकी होगी, ओके। अब आइए समांतर क्रम के बारे में कुछ जानकारी देते हैं हम। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे
दस ओम, दस ओम, ये भी दस, ये भी दस, तो इसका कोई टोटल एक रेजिस्टेंस बनाएगा तो बोलेगा कितना इसके बदले इतने एक लगाना है। तो एक में बताइए कि सर्किट वैसा ही रह जाए, परिपथ में करंट कोई मान चेंज ना हो, उतना ही करंट बहेगा, तो बताइए इसके लिए सर्किट में कितना ओम का प्रतिरोध लगाएंगे। तो हम कहेंगे आर टोटल है तो 10 का आप निकालोगे ना, तो क्या हो जाएगा सर, 10 बटा, समान वैल्यू है तो 10 बटा 3 ओम प्रतिरोध निकल जाएगा। आप करिए 1 बाय आर टोटल बराबर करिए, करते जाइएगा तो क्या होगा, या तो फिर आप निकालिए कैसे, 1 बाय आर टोटल बराबर 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2 प्लस 1 बाय आर 3, करते रहिए बैठ के। कभी भी हम वैल्यू क्या करेंगे, ज्यादा देखेंगे तो हम या तो ट्रिक लगाएंगे या फिर पैरेलल में अगर समान वैल्यू दिखे तो उतने से भागा दे देना है। देखिए कितने ब्रांच है, वैल्यू कितना है सर, 10 10 10, और इसमें ब्रांच कितने हैं, 3 ब्रांच, तो 3 ब्रांच से हमेशा क्या हो जाता है, भागा। देखिए इससे पहले वाले में समान वैल्यू था, कितने ब्रांच थे सर, 2 ब्रांच, तो पैरेलल में जितने ब्रांच होंगे उतने से समान वैल्यू में भागा हो जाता है, समान वैल्यू में भागा हो गया है। देखिए कितना, 25 था बटे 2 ओम बराबर 12.5, क्लियर ना। तो इस तरीके से सर आराम से आप निकाल सकते हो, है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कहोगे सर समान वैल्यू है तो आप आसानी से ट्रिक बता रहे हो, 10/3 कर दो, समान अगर 5 होता तो 10/5 कर देता तो टोटल रेजिस्टेंस, लेकिन अलग अलग होगा तो हम कहेंगे सर अलग अलग वाला क्वेश्चन देगा लेकिन उसमें भी ट्रिक्स होंगे, ऐसा ट्रिक की फट से निकाल सकते हो। तो कहोगे कैसे, तो उनकी भी चर्चाएं हो जाए एक बार, वेट अ सेकेंड, आइए सर आइए, अगर आपको ऐसी बात हो तो ऐसे कंडीशन में भी हम कहेंगे कि उसका भी लॉजिक है। अगर समानांतर में प्रतिरोध आपको दे दे 20 ओम, दस ओम, 5 ओम, अब तो फंस गए सर, एक तो समान भी नहीं है, एक तो वैल्यू सब समान भी नहीं है कि आधा कर देता एक तिहाई कर देता, ऊपर से वैल्यू अंतर है, तो इसको एक निकालने के लिए क्या 1/2 करते रहेंगे, नहीं करेंगे सर, तब भी हमारे पास ट्रिक है, तब भी हमारे पास ट्रिक है। क्या सर, इस ट्रिक को दिमाग में बैठा लेना आज से। सर कहते हैं इसको 100 पूरा करने के लिए, 100 पूरा करने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, तो सर 5 से गुना करना पड़ेगा। सर इसको 100 पूरा करने के लिए, ट्रिक है ये, इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, सर 10 से गुना करना पड़ेगा। सर इसको 100 पूरा करने के लिए बताइए कितना से गुना करना पड़ेगा, आपको कहे सर 20 × 5 = 100, इतना से गुना करना पड़ेगा। तो अब जितना से गुना करना पड़ रहा है ना 100 पूरा करने के लिए, 100 पूरा करने के लिए जितना से गुना करना पड़ रहा है सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या करिए सर, जोड़ दीजिए 20, 10, 30, 5, 35, कितना निकला सर 35, और 100 में भागा दे दीजिए 35 से, 100 में भागा दे दीजिए 35 से, जो भी वैल्यू निकला जोड़ के उसको 100 में भागा दे दीजिए, सो आर टोटल हमेशा कितना निकलेगा सर 100/35 ओम, आप निकाल के देख लीजिए कैलकुलेशन से, वही आपका आंसर होगा। मामला क्लियर है। अब कोई कहेगा सर 13 हो, 17 हो, 20 हो, तब तो मामला फंस जाएगा सर, इतना कॉम्प्लेक्स कभी देता नहीं है ना, कभी भी देगा तो इसी तरीके से देगा 20, 5, ऐसा जो 100 का गुणनफल हो। तो आप आसानी से क्या करें, 100 को गुना के लिए इसके गुना के साथ, 100 पूरा करने के लिए सर 100 पूरा करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, यहां 100 पूरा करने के लिए 10 से, यहां 20 से, सबको जोड़िए हमेशा। अब यहां भी बच्चा कई बार क्या करेगा, 35/100 कर देगा, क्या करेगा सर, ट्रिक तो समझ गया, सब कुछ कर लिया, 35 को भागा कर देगा, तो ये बिल्कुल गलत। सर आपको क्या करना है, 100 में भागा देना है किससे, 35 से, जो जोड़ के लाए हो उसमें 100 में भागा देना है 35 से, यानी जो ये सारा डाटा आपने लाया ना, कितने के बराबर पूरा किया आपने, 100 के बराबर ना, ये सब वैल्यू 100 पूरा करना था, ये 100 के बराबर पूरा करना था,
तो 100 में 5 भागा क्या दे देना है सबका जोड़, वही आपका आंसर होगा 100 बटा 35 आपका इसका मूल आंसर होगा। अब 100 बटा 35 को अगर तोड़ोगे नजर तो इसके किसी भी एक ब्रांच से कम में होना चाहिए क्योंकि पैरेलल में मामला है, तो हम भागा देते हैं 35 को 100 में तो मामला आपको दिखेगा सर। वेट अ सेकेंड, 100 से भागा दे देता हूँ मैं, हर 100 में भागा देता हूँ 35 से, तो 2.87 है ना, कितना निकल रहा है सर 2.87 ओम। देखिए जो निकला वो सब के किसी वैल्यू से कम है ना, इससे भी कम है ना, इससे भी कम है, सबसे छोटे मान से भी छोटा निकलेगा टोटल प्रतिरोध। तो मुझे लगता है कि अब जानकारी आपके दिमाग में आ चुकी है कि किस तरीके से पैरेलल का वैल्यू, पैरेलल में प्रतिरोध जोड़ने से और टोटल प्रतिरोध का मान घटता ही है। एक रहता तो 20 होता, दो जुड़ गया तो 20 से भी 10 से भी कम हो गया, तीन जुड़ गया तो और उससे भी कम हो जाएगा, क्लियर ना। तो करंट इस परिपथ में ज्यादा जाएगा फिर सोर्स से, ओके। तो ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उनकी चर्चा में कर देता हूं, वो भी बड़ा फ्रिक्वेंट पूछा जाता है आपके एग्जाम में, उनकी भी चर्चा एक बार कर देता हूं तब मामला बहुत हद तक सही रहेगा सर। सीरीज वाला का चर्चा करता हूं, फिर अभी क्वेश्चन बहुत बनाने हैं आगे, आगे क्वेश्चन बहुत बनाने हैं। कहेगा सीरीज पैरेलल का बनाऊंगा कि एक प्रतिरोध यहाँ आर है, यहाँ आर टू है, आर थ्री है, तो बताइए इसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा। आर टोटल तो आप कहोगे कि आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, लेकिन यही कह दे कि एक प्रतिरोध यहाँ आर वन है, दूसरा प्रतिरोध आर टू है क्योंकि सीरीज पैरेलल दोनों इसमें पढ़ा हूँ अभी, तीसरा प्रतिरोध आर थ्री है, आर आर कर देता हूं, अब आर है आर है आर है, यहां भी ट्रिक वाला के लिए आइए क्या करता हूं, यहां आर है, यहां आर है, यहां आर है, तीन सीरीज में जुड़ेगा तो टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा सर, आपको सिर्फ थ्री आर, तीनों जुड़ गया एक आर दो आर तीन आर, और सिर्फ ये वाला आर आर देगा और डॉट 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 प्रतिरोध कहेगा एन ब्रांच है, टोटल क्या है सर एन ब्रांच, और इसका टोटल ब्रांच कितने हैं सर एन है, सॉरी टोटल ब्रांच कितने हैं सर एन है, और उसका भी प्रतिरोध एनवा रेजिस्टेंस, मतलब कि तीन दिखा दिया बोला ऐसे करके 100 रेजिस्टेंस है, उसका बताइए टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो आपको क्या क्या कहोगे आर टोटल, अगर 100 ब्रांच तक है ऐसे ऐसे करके 100 है तो 100 इंटू आर, जैसे 3 इंटू आर हो गया तो 100 इंटू आर, तो 100 की जगह एन है तो एन इंटू आर, एन ब्रांच है, एन की जगह पहुंच सकता है 10 ही हो और एन के जगह हो सकता है 20 हो, तो 20 इंटू आर, एन के जगह 25 इंटू आर, क्लियर है। एक दो तीन चार माता जी की जय जयकार, ओके। सो इस तरीके से चलते ना, इस तरीके से चलेंगे ना, है ना, तो इस तरीके से चलता जाता है सर आर एन तक एन इंटू आर हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पैरेलल का मामला भी देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन तो करेंगे ही बहुत ज्यादा, लेकिन पैरेलल में भी देख लेते हैं। कहेगा एक प्रतिरोध R है, दूसरा प्रतिरोध भी R है, तीसरा प्रतिरोध भी R है, तो इसका टोटल टोटल इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बनाना पड़े तो कितना बनाओगे, यहां A है और यहां B है, ओके, यहां A है, ओके, तो इसका टोटल आर इक्विवेलेंट अगर निकालना पड़े तो कितना होगा सर, एक दो तीन, तो कितना हो गया आर बटा तीन, आर बटा क्या कर दिया सर आपने, तीन भागा दिया। सिमिलरली कहेगा आपसे क्वेश्चन आएगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे आएगा, अगर एक क्वेश्चन ये है तो एक प्रतिरोध ये, दूसरा प्रतिरोध ये, तीसरा प्रतिरोध ये, ये डॉट 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 चल रहा है सर, तो कितना तक है सर एन ब्रांच तक है, एन ब्रांच है, मतलब हो सकता है 10 20 30 कुछ भी हो, 10 20 30 40 कुछ भी हो, एक का मान आर है, दूसरे का मान भी आर है, तीसरे का मान है और सबका मान आर है, तो बताइए टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, तो आप बोलोगे सर आर जो प्रतिरोध है उसमें भागा तो होना ही है, पैरेलल में तो भागा होना है, एन ब्रांच है तो एन से भागा दे दीजिए, एन ब्रांच है तो क्या करिए सर एन से भागा दे दीजिए, यही आपका आंसर होगा।
ओके, तो ऐसे क्वेश्चन सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में ताकि ये सारे चीजें आपके लिए बेहतर हो पाए, इनके लिए अगले लेक्चर में मिलने वाले हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।